Hi guys, welcome to my channel self made tutorial. Today once again I have come with very important topic. This video is also related to connective tissue. अभी तक आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे, तो पहले आप लोगों ने देखा दो पार्ट में एपिथेलियल टिश्यू, और उसके बाद हिंदी में भी देखा आप लोगों ने, इंग्लिश में और हिंदी में. कुछ बच्चों ने कमेंट द्वारा मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि हमें हिंदी और इंग्लिश में चाहिए, तो दैट्स वाई दोनों टाइप्स का वीडियो बनाया गया है. तो दो पार्ट था एपिथेलियल टिश्यू का. उसके बाद एज यू नो वेरी वेल कनेक्टिव टिश्यू, देर आर फोर टाइप ऑफ कनेक्टिव सॉरी टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यू आप लोग पढ़ चुके हैं और कनेक्टिव टिश्यू अभी चल रहा है, जिसमें से कनेक्टिव टिश्यू का दो पार्ट हो चुका है पढ़ाई. उसमें कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट हुआ है और टाइप हुआ है. तो टाइप जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीन प्रकार के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू. तो आज जो है हम लोग स्केलेटल टिश्यू पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ चुके हैं. सो हम लोग स्केलेटल टिश्यू के बारे में देखते हैं कि आखिर स्केलेटल टिश्यू होता क्या है. और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम लोग जैसे पढ़े थे फाइबर्स के बारे में, वाइट फाइबर, येलो फाइबर, एडिपोज टिश्यू, ये सब. और भी बहुत सारे कंपोनेंट के टाइम में भी हम लोग बहुत सारे सेल्स के बारे में पढ़े थे जो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है. ओके, जो फॉरेन सब्सटेंस को एग्जिट करता है, बाहर करता है या डिस्ट्रॉय करता है. ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटल टिश्यू. अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, सो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. द स्केलेटल टिश्यू फॉर्म द इंडो स्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट्स. ओके, स्केलेटल टिश्यू जो होता है वर्टिब्रेट का इंडो स्केलेटन बनाता है. दे फॉर्म ए रिजिड फ्रेमवर्क विच सपोर्ट द बॉडी. ये रिजिड फ्रेम वर्क बनाता है, यानी जाल बनाता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है. द विटल ऑर्गन्स एंड हेल्प लोकोमोशन. दीज आर टू टाइप्स. ये दो प्रकार के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन, यानी कि उपस्थि और हड्डी. ओके, तो देखिए फर्स्ट है कार्टिलेज. द कार्टिलेज इज ए सॉलिड बट सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज जो होता है, ये उपास्थि बोलते हैं इसको हिंदी में, ये सॉलिड होता है बट सेमी रिजिड है, बहुत कम कठोर होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. ओके, एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू इसे भी कहते हैं. कंटेनिंग क्लियर मैट्रिक्स ऑफ फिल्म हार्ड मैट्रियल मटेरियल. ओके, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड नहीं होता है, फिर मतलब हार्ड मटेरियल्स. ओके, हार्ड मटेरियल्स इसमें पाए जाते हैं. द कॉन्ड्रियन इसे कहते हैं, जो मटेरियल पाया जाता है मैट्रिक्स का उसे कॉन्ड्रियन कहते हैं. मैट्रिक्स इज सेक्रेटेड बाय कॉन्ड्रियोब्लास्ट, यानी कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स. कॉन्ड्रियोसाइट्स मैट्रिक्स में जो कॉन्ड्रियन जो होता है, सॉरी कनेक्ट कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो उसे कॉन्ड्रियन कहते हैं. और कॉन्ड्रियन जो होता है उसका सिक्रेशन कॉन्ड्रियोब्लास्ट से होता है. कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है कार्टिलेज का सेल्स होता है. ओके, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स ये कार्टिलेज को बनाने वाला सेल्स होता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट्स. ओके, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा. इट इज़ अ लार्ज ब्लंटली एंगुलर सेल्स विच लाई इन ग्रुप ऑफ 2-3 इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैकुनी. ओके, ये 2-3 ग्रुप में पाया जाता है, और फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो होता है उसमें लैकुनी में पाया जाता है. ओके, ये लार्ज होता है, ब्लंटली होता है. इट इज बाउंडेड, क्या होता है ये जो होता है कॉन्ड्रियोसाइट जो होता है उसी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, कैसा होता है. इट इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय स्टिफ सीथ द पेरिकॉर्डियम. ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो होता है पेरिकॉर्डियम सीथ द्वारा घिरा होता है. कंसिस्टिंग ऑफ वाइट फाइबर टिश्यू.
सॉरी, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो होता है ना वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है. ओके, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट नहीं, पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन होता है, बाहरी सीथ होता है, उससे घिरा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ व्हाइट फाइबर. इसमें थोड़े बहुत व्हाइट फाइबर भी पाए जाते हैं. देयर आर नो ब्लड वेसल्स एंड नर्वस. इसमें ब्लड वेसल्स और नर्वस नहीं पाए जाते हैं. इट इज़ थ्री टाइप्स, हाइलिन फाइबर्स एंड हाइलिन फाइबर्स एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज, यानी कि हाइलिन कार्टिलेज, फाइबर्स कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज. एक काम करती हूँ, पहले मैं आप लोगों को चार्ट बता दे रही हूँ. ओके, कि कैसा कितने कनेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट हैं, उसके बाद स्केलेटल टिश्यू के कितने पार्ट हैं. ओके, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा. चलिए दिखाते हैं. देखिए, ये हुआ कनेक्टिव टिश्यू. सो इसके तीन पार्ट हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वेस्क्यूलर टिश्यू. सो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बहुत पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. उसमें पढ़े थे एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, वाइट फाइबर टिश्यू, येलो फाइबर टिश्यू, फाइबर्स टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू. ओके, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलेटल टिश्यू. ये जो है स्केलेटल टिश्यू, और वेस्क्यूलर टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ. ओके, तो ये हम लोग कोशिश करेंगे इसमें हो इस वीडियो में होगा सो होगा, मर्ज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तो पहले हम लोग देख रहे हैं अभी स्केलेटल टिश्यू. देखिए, कार्टिलेज एंड बोन. स्केलेटल टिश्यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, सॉरी सॉरी, कार्टिलेज एंड बोन. सो कार्टिलेज जो होता है थ्री टाइप्स का होता है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइबर्स कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज. और फाइबर्स जो होता है टू प्रकार का होता है, वाइट फाइबर्स कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. ओके, अब आप लोग क्लियर क्लियर होंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो आप लोग ऐसा ये डायग्राम भी, सॉरी चार्ट भी आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं. ओके, सो देखिए, हाइलिन कार्टिलेज, इट कंटेन्स अ क्लियर ट्रांसलूसेंट ब्लूइश ग्रीन मैट्रिक्स. ओके, इट इज फ्लैक्सीबल. ये फ्लैक्सीबल होता है. इट्स मैट्रिक्स हैज वेरी फाइन वाइट फाइबर. इसमें जो वाइट फाइबर जो होता है बहुत फाइन होता है. इट फॉर्म्स आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ज्वाइंट ऑफ लंग बोन्स, लॉन्ग बोन्स. ये जो होता है लॉन्ग बोन्स का जो होता है आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ज्वाइंट ऑफ लॉन्ग बोन्स, वेयर इट इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज. ज्वाइंट बोन जो होता है ना उस पर ये आर्टिकुलर सरफेस बनाता है, जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं. इट ऑल्सो फॉर्म लैरिंग्स, यानी कि जो गले में होता है ना लैरिंग्स, एस्टर्नम जो लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पाया जाता है, ये लैरिंग्स भी उसी में रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही पाया जाता है. रिंग ऑफ ट्रैकिया, आप लोगों को पता होगा रिंग ऑफ ट्रैकिया. उसके बाद आ जाएगा ब्रोंकी, ये भी उसी से रिलेटेड है. एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है. नेजल कार्टिलेज, नोज से रिलेटेड है, ये भी रेस्पिरेटरी से ही रिलेटेड है. एंड हायोर्ड एपर्टस, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है. तो आप लोग इतना याद रखिएगा, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है उसमें हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है, क्योंकि ये फ्लैक्सीबल होता है. ओके, नोज के बारे में तो आप लोग जानते हैं कितना ये फ्लैक्सीबल होता है वैसे ही, और इसमें जितने भी बताए गए हैं वो सब तो फ्लैक्सीबल ही होते हैं. ट्रैकिया भी फ्लैक्सीबल ही होता है, रिब्स भी फ्लैक्सीबल ही होते हैं. नेक्स्ट है फाइबर्स कार्टिलेज, थ्री था. तो इट हैज़ वेल डेवलप्ड फाइबर्स इन द मैट्रिक्स. ये जो है मैट्रिक्स में, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में वेल डेवलप्ड होता है. ये दो प्रकार का होता है, वाइट फाइबर्स कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. जैसे आप लोगों ने, मैं आप लोगों को कुछ देर पहले चार्ट दिखाई हूँ तो आप लोगों को याद आ गया होगा. ओके, तो देखिए, वाइट फाइबर्स कार्टिलेज को ही वाइट फिब्रो कार्टिलेज भी कहते हैं. इट हैज़ लिटिल मैट्रिक्स एंड एविडेंट पैरेलल वाइट फाइबर्स. इसमें बहुत सारे वाइट फाइबर्स पैरेलल वाइट फाइबर्स पाए जाते हैं. ओके, रॉ ऑफ कॉन्ड्रियोब्लास्ट इन लैकुनी. इट्स ऑकर इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ये जो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है. इन द प्यूबिक सिम्फेसिस होता है, वेयर इट हेल्प्स इन परटुरेशन. ये जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है. ओके, वाइट फाइबर पाया जाता है. इसमें पैरेलल कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा और ऐसे रहता है फिगर. ओके, इट इज मोर फ्लेक्सिबल
देन एनी अदर कार्टिलेज. ये हो गया इलास्टिक कार्टिलेज. इट हैज़ मोर फ्लैक्सीबल देन ओनली अदर कार्टिलेज. इट हैज़ एब्यूडेंट येल्लो फाइबर्स इन एडिशन टू वाइट फाइबर्स. इसमें येल्लो फाइबर्स ज़्यादा पाया जाता है और एडिशन फाइबर सॉरी वाइट फाइबर भी थोड़ा होता है. इट इज रेडली रिकवर्स इट सेल्स आफ्टर डिस्टॉर्शन. ओके सॉरी. ये जो होता है जल्दी ही अपने आप को रिकवर कर लेता है. इट्स फाउंड इन द पिन्ना. ओके ये ईयर का जो होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑफ द ईयर ऑस्टिचियन ट्यूब. ये जो होता है नोज से लेकर ईयर तक होता है वो ऑस्टिचियन ट्यूब होता है. इपिग्लॉटिस एंड टिप ऑफ द नोज. टिप ऑफ द नोज आगे का जो पर्सन होता है और इपिग्लॉटिस जो ढकता है भोजन नली और वायु नली के बीच पाया जाता है. ओके तो एक तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड. दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड. और तीसरा जो हो गया ईयर से रिलेटेड हो गया. ओके और एक जो है ये एक्सेप्शनल एपिग्लॉटिस है. ये बहुत फ्लेक्सिबल इलास्टिक होता है ना दैट्स वाई ये एपिग्लॉटिस में पाया जाता है. ये जो है येल्लो इलास्टिक कार्टिलेज का फिगर है. ओके और ये लैक्मी में लैक्मी होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. और देखिए ये जो फिगर है ये आपका वाइट फाइबर का है पैरेलल में होता है. ओके और इसमें ये सेल्स पाए जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स सॉरी फिब्रो नहीं कॉन्ड्रियोसाइट्स. ओके लास्ट है कैल्सिफाइड कार्टिलेज. ये जो होता है इट हैज़ कैल्शियम साल्ट डिपॉजिटेड इन द मैट्रिक्स. इसमें जो होता है कैल्शियम साल्ट मिला होता है डिपॉजिट होता है मैट्रिक्स में. द कैल्शियम साल्ट मेक इट हार्ड एंड इनइलास्टिक जिसके कारण ये जो कार्टिलेज होता है उसके मैट्रिक्स में कैल्शियम पाया जाता है. ओके और जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है इनइलास्टिक होता है मुड़ने नहीं. फ्लैक्सीबल क्या होता है जो जिधर भी जाए आप मोड़ सकते हैं लेकिन इन इलास्टिक या इलास्टिक आप इस इन इलास्टिक को आप नहीं बोल यानी बोल सकते हैं इन फ्लैक्सीबल. इट इज फाउंड इन सुपर क्यूपुला ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल ऑफ फ्रॉग वर्टिब्रेट ऑफ सार्क. यानी कि ये जो कमर पे जो होता है पेक्टोरल ग्रिडल्स एंड पाया जाता है उसी में ये पाया जाता है. ओके नेक्स्ट है बोन. बोन इज अ सॉलिड रिजिड एंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू. बोन जो होता है सॉलिड होता है रिजिड कठोर होता है और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये तो आप लोग जानते ही होंगे. इट इज हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी. ये जो होता है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है. ये नोट करने वाली पॉइंट है हार्डेस्ट टिश्यू ये जो है. और सबसे लंबे टिश्यू कौन सा होता है न्यूरॉन होता है. ओके याद है ना. इट्स मैट्रिक्स इज टफ. इसका जो मैट्रिक्स होता है टफ होता है. कंटेनिंग बोथ इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है. इसके मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है. द इनऑर्गेनिक साल्ट्स कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फ्लोराइड मैग्नीशियम फॉस्फेट. ओके वेन लैक ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बोन सच ए बोन इज कॉल्ड डीकैल्सिफाइड. जिस बोन में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं पाए जाते वो डीकैल्सिफाइड बोन कहलाता है. और दैट्स वाई इसी के कारण जल्दी टूट जाता है. ओके ए मैमेलियन बोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर. ओके एक मैमेलियन बोन जो होता है उसमें ये इतने सारे टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे पेरिओस्टियम मैट्रिक्स इंडोऑस्टियम एंड बोन मैरो. ओके तो हम लोग एक ही करके पढ़ेंगे. पहले इसका पेरिओस्टियम इट कवर द बोन एक्सटर्नली. ये बोन का सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है जब कवर किया रहता है. इट इज टफ सिथ कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइबर टिश्यू. ये जो होता है वाइट फाइबर टिश्यू से बना होता है और टफ सिथ होता है. टेंडन ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू देयर सीथ. टेंडन्स जो होता है मसल्स के टेंडन्स जो होते हैं अटैच्ड होते हैं सीथ के द्वारा सीथ से.
इट कंटेन ब्लड वेसल्स विच नरिशमेंट ऑफ बोन. ये इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो बोन्स को नरिश करते हैं. इट ऑल्सो कंटेन बोन फॉर्मिंग सेल्स. ये जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो बोन बनाते हैं उसे बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट ये भी होता है. और एक था आप लोगों में कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, कौन था, था कौन सा था, कॉन्ड्रियोसाइट्स. ओके, याद करके रखिए इसको. तो ये था पेरिओस्टियम. अब बोन का नेक्स्ट कंपोनेंट है मैट्रिक्स. इट इज डेंस एंड हार्ड, इज फॉर्म्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड ओसिन. मैट्रिक्स जो होता है ओसिन का बना होता है. सबसे बाहरी पार्ट पेरिओस्टियम हो गया, उसके बाद मैट्रिक्स हो गया. ये जो ओसिन प्रोटीन से बना. द रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर इज अप्रॉक्सीमेटली 7:7:3 होता है. यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें जो होता है सब्सटेंस 7 होता है और ऑर्गेनिक 3 होता है. ये भी एग्जाम में पूछ सकता है. द मैट्रिक्स ऑकर एज लेयर विच आर लार्जली अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग अराउंड नैरो लॉन्गिट्यूडनल कैविटी हैवर्सियन कैनाल कॉल्ड लैमली. ओके, मैट्रिक्स जो होता है लेयर के रूप में उपस्थित होता है और ये लार्जली अरेंज होते हैं कॉन्सेंट्रिक यानी कि राउंड राउंड रिंग अराउंड नैरो लॉन्गिट्यूडनल कैविटी ये हर्वेसियन कैनाल के चारों तरफ जिसे लैमली कहते हैं. ओके, मैं आप लोगों को फिगर दिखाऊंगी. दिस लैमली आर कॉल्ड हैवर्सियन लैमली और इस लैमली को हैवर्सियन लैमली कहते हैं. सम लैमली आर कॉन्सेंट्रिक अराउंड द नैरो कैविटी विदाउट हैवर्सियन कैनाल कॉल्ड सर्कमफेरेंशियल लैमली. कुछ जो होते हैं लैमली विदाउट कॉन्सेंट्रिक अराउंड यानी विदाउट हर्वेसियन कैनाल्स के होते हैं वो सर्कमफेरेंशियल लैमली कहलाते हैं. इन द लैमली मिन्यूट बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स, उसमें लैमली में जो होता है कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसे ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं. इट्स ऑस्टियोसाइट इज सराउंडेड बाई ए स्पेस कॉल्ड लैकुना और सारे ऑस्टियोसाइट चारों तरफ से लैकुना से घिरे होते हैं. ओके, द लैमली लीड इन टू फाइन चैनल्स कॉल्ड लैकून कैनालिकुली. लैकुनी जो होते हैं लैकुनी यहाँ पे लैकुनी लैकुना से जो उसका घिरा होता है और लैकुनी जो होता है ये कैनालिकुली से निकले होते हैं. इनमें से ए हैवर्सियन कैनाल एंड इट्स लैमली एंड ऑस्टियोसाइट फॉर्म ए हैवर्सियन सिस्टम. ओके, हैवर्सियन सिस्टम हैवर्सियन लैमली और ऑस्टियोसाइट जो होता है हैवर्सियन सिस्टम बनाते हैं. द लैमली बिटवीन द हैवर्सियन सिस्टम कॉल्ड इंटरस्टेटियल लैमली और हैवर्सियन सिस्टम के बीच बीच जो होता है वो इसे इंटरस्टेटियल लैमली कहते हैं. द हैवर्सियन कैनाल आर इंटरकनेक्टेड बाई ट्रांसवर्स कैनाल टर्म द वोल्कमंस कैनाल. कुछ हैवर्सियन कैनाल जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं ट्रांसवर्स से वोल्कमंस कैनाल द्वारा. हैवर्सियन सिस्टम आर एबसेंट इन स्पॉन्जी बोन. हैवर्सियन सिस्टम जो होता है जिसमें आता है हैवर्सियन लैमली हैवर्सियन कैनाल और ऑस्टियोसाइट्स वो स्पॉन्जी बोन में एबसेंट होता है. इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन बोन. ये जो होता है स्पॉन्ज में नहीं पाया जाता है और ये हैवर्सियन सिस्टम जो होता है ये मैमेलियन बोन्स का विशेषता है कि उसमें हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है. यानी हैवर्सियन सिस्टम के अंतर्गत आप लोग जैसे मैंने बताया ऑस्टियोसाइट जो बोन को बनाता है उसके बाद बोन फॉर्मिंग सेल्स है उसके बाद हैवर्सियन कैनाल और हैवर्सियन लैमली. वन सेकेंड मैं आप लोगों को फिगर दिखाती हूँ. देखिए ये रहा फिगर आप लोगों का. अगर आप लोग एग्जाम में बनाते हैं तो बहुत अच्छे से मार्क्स आएगा. ओके, ये हो गया पेरिओस्टियम सबसे बाहरी. ओके, इसमें जो होता है ये लैमली जो होता है जैसे यहाँ आप लोगों ने पढ़ा सर्कमफेरेंशियल लैमली कहते हैं, इसी को कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमली कहते हैं. ओके, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा हैवर्सियन कैनाल, तो ये जो है हैवर्सियन कैनाल है. ओके, उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स, ये जो ये है बने हुए हैं सेल्स ये ऑस्टियोसाइट्स ये सारे पे बने होते हैं. मैंने आप नहीं बताया नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप लोग ये सब पे ऐसे 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 वन सेकेंड आप लोग ऐसे ऐसे कर दीजिएगा सारे पे.
अच्छे से बनाइएगा फिगर, ओके। तो ये जो है ऑस्टियोसाइट है, उसके बाद ये जो लैमली हैं, ये जो राउंड राउंड बने हुए हैं, ये हैवर्सियन लैमली है, और इन तीनों पार्ट को मिलाकर हैवर्सियन सिस्टम बनता है या ऑस्टिन बनता है, ओके। और ये जो है वॉकमैन्स कैनाल है, ओके। और जो हैवर्सियन सिस्टम के बीच बीच में जो ये लैमली है उसे इंटरस्टेटियल लैमली कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही था। और लास्ट में आ जाइए, देखिए यहाँ पे इंडो ऑस्टियम, ये जो है इंडो ऑस्टियम है, यानी कि अभी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, और ये जो हो गया बोन में है। फिगर आ गया समझ में आप लोगों को, यानी हैवर्सियन सिस्टम जो है मेन कैरेक्टर है मैमेलियंस का, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछते भी हैं, ओके। अब नेक्स्ट है इंडो ऑस्टियम, इट इज प्रजेंट आउटर टू द बोन मैरो, बोन मैरो के बाहर पाया जाता है, यानी कि बोन मैरो बोन का जो होता है उसके लास्ट कवर है, लाइक द पेरी ऑस्टियम की तरह ही होता है। इट कंप्राइज ऑफ वाइट फाइबर टिश्यू एंड बोन फॉर्मिंग सेल्स, दस द लॉन्ग बोन्स ग्रो इन थिकनेस फ्रॉम टू साइड्स, दोनों तरफ से ये जो होता है दोनों तरफ से ग्रो करता है, ओके। लास्ट है बोन मैरो, इन लॉन्ग बोन्स सच एज ह्यूमरस फीमर्स ETC, अ कैविटी कॉल्ड बोन मैरो कैविटी इज प्रजेंट इनर टू द इंडो ऑस्टियम, ओके। बोन मैरो कैविटी इज प्रजेंट इनर टू द इंडो ऑस्टियम, ओके, इंडो ऑस्टियम के अंदर पाया जाता है। द बोन मैरो कैविटी इज फिल्ड विथ अ सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड फैटी न्यूरोवैस्कुलर टिश्यू टर्म्ड एज बोन मैरो, इसके जो कैविटी जो होता है फुल होता है सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड फैटी न्यूरोवैस्कुलर टिश्यू से, इसे बोन मैरो कहते हैं। अब बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान जाइए, ओके। इट इज कम्पोज ऑफ हाईली वैस्कुलर रेटिकुलर टिश्यू, ये जो होता है रेटिकुलर टिश्यू से पाया जाता है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, उनमें से एक रेटिकुलर टिश्यू भी आता है, ये रेटिकुलिन प्रोटीन से बना होता है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट वीडियो देखिए पार्ट, ओके। इट प्रोड्यूस रेड कार्पसल्स, और इसी के द्वारा रेड कार्पसल्स बनते हैं, ओके। ये जो होते हैं रेड कार्पसल, रेड बोन मैरो में बनते हैं, और किसके द्वारा, रेटिकुलर टिश्यू के द्वारा, रेटिकुलर टिश्यू क्या चीज़ का बना होता है, रेटिकुलिन का। एंड ग्रैनुलर वाइट कार्पसल्स भी बनाते हैं रेड बोन मैरो, ओके। इट प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन, ये जो पाए जाते हैं स्पॉन्जी पार्ट ऑफ बोन में पाए जाते हैं। येल्लो बोन मैरो, इट इज कम्पोज ऑफ एडिपोज टिश्यू, ये जो है एडिपोज टिश्यू का बना होता है। इट स्टोर फैट एंड प्रोड्यूस कार्पसल्स इन इमरजेंसी, ये जो होता है फैट को प्रोड्यूस करता है, फैट को स्टोर करता है, सॉरी येल्लो बोन मैरो जो होता है फैट को स्टोर करता है और इमरजेंसी में कार्पसल्स बनाता है। एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, जब इमरजेंसी यानी कि जब ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाता है उस टाइम ये बनाता है। इट इज प्रजेंट इन द साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, ये जो बोन का एक पार्ट ही है साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, ओके। तो रेड कैसे बन रहे, रेड कार्पसल कैसे बनते हैं, रेड बोन से, ये जो होता है रेटिकुलिन से होता है, ये जो होता है रेटिकुलिन टिश्यू है, ये होता है एडिपोज टिश्यू का बनाता है येलो बोन, इसमें फैट स्टोर होता है। आप लोग एडिपोज टिश्यू ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बोन का टाइप भी देख लेते हैं, लंबा वीडियो तो बहुत हो गया है लेकिन देख लेते हैं, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्चर, यानी स्ट्रक्चर को ही टेक्स्चर कहते हैं, ओके। कंसेप्ट कंपैक्ट और पेरियोस्टियल बोन, बोन जो होता है दो प्रकार का होता है, कंपैक्ट और पेरियोस्टियल बोन, ओके। इट्स लैमली अरेंज्ड इन रेगुलर हैवर्सियन सिस्टम विदाउट गैप इन बिटवीन, ओके। ये जो होता है रेगुलर हैवर्सियन सिस्टम के रूप में, यानी कि हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन लैमली और ऑस्टियोसाइट्स, उस टाइप का अरेंज होता है लैमली का। इट इज फाउंड इन द साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये जो होता है साफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स के साफ्ट में पाया जाता है, और उसी में येल्लो बोन मैरो भी होता है और उसमें फैट का स्टोर होता है, ओके। इट कैविटी कंटेन येल्लो बोन मैरो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ सॉरी।
इसी में ही फैट का स्टोर होता है, और इमरजेंसी के टाइम में जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है उस टाइम इससे कार्पसल्स बनते हैं। सेकेंड वन है स्पंजी, यानी कैंसिलस बोन, और ये था पेरियोस्टियल बोन। ओके, पेरियोस्टियल पेरियोस्टियल और ये कैंसिलस। ओके, याद कर लीजिए। इट्स लैमली कॉल्ड ट्रैबैकुली। ओके, दैट फॉर्म इंटरलैकिंग नेटवर्क विथ स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। ओके, दिस स्पेस कंटेन रेड बोन मैरो। इसमें जो होता है स्पेस पाया जाता है और उस स्पेस में रेड बोन मैरो पाया जाता है। स्पंजी आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। द स्पंजी बोन मैरो आर विदाउट हर्वेशियन सिस्टम, और स्पंजी बोन जो होता है विदाउट हर्वेशियन सिस्टम होता है। एक्सपेंडेड इंड इफिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स वर्टिब्री रिब्स सकल बोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ स्पंजी बोन्स। ओके, तो ये रहा आप लोगों का स्केलेटल टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट, दूसरा सॉरी कनेक्टिव टिश्यू को जो क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में, उसका ये दूसरा है। अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ओके, सो सॉरी, एक और फिगर मैं आप लोगों को बताना भूल गई, दिखाना भूल गई। आप लोग देख लीजिए, जो आप लोग पढ़े थे कैनाली कुली, ये जो कैनाली कुली पढ़े थे, जो लैकुनी का फाइन चैनल्स निकले होते हैं, मैं उसका फिगर बताती। ये तो रहा आप लोग का बोन्स का। ओके, आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, देखिए। ओके, ये रहा कैनाली कुली का। ओके, ऐसे ही फाइन नेटवर्क निकले होते हैं, और इसमें ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ये भी फिगर आप बना सकते हैं एग्जाम में। ओके, आई होप आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी पूरी स्केलेटल टिश्यू जो है मैंने पढ़ाया। सो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और भी सारे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के देखने के लिए, जूलॉजी से रिलेटेड या और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।